अक्सर आपने बच्चों को भीख मांगते देखा होगा। कभी आप उन्हें कुछ दे भी देते होंगे तो कभी डांटकर आगे बढ़ जाते होंगे। पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि इन बच्चों की दुनिया कैसी है, इनके सपने क्या हैं? क्या ये भी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहते हैं? ये अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं या इनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है? भीख में मिले पैसों का ये क्या करते हैं? क्या कभी इन्होंने भीख मांगना छोड़कर कुछ और करने के बारे में सोचा है? बड़े होकर ये क्या करेंगे? भारत के संविधान में भीख मांगने को अपराध कहा गया है। फिर देश की सड़कों पर 1 करोड़ बच्चे भीख आखिर क्यों मांगते हैं, कैसे मांगते हैं? बच्चों का भीख मांगना केवल अपराध ही नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा भी है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आप सिर्फ एक कहानी न समझें, यह एक हकीकत है और इसे हकीकत बनाने में उत्तराखंड पुलिस की ऑपरेशन मुक्ति टीम का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात 5 साल पहले की है, जब उत्तराखंड पुलिस ने भिक्षा नहीं शिक्षा के मूल मंत्र के साथ ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी। ऑपरेशन मुक्ति अभियान का ध्येय ये था कि कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। इसी अभियान के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के खारा स्रोत क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2017 से 2021 तक ऑपरेशन मुक्ति की टीम ने कई बच्चों का दाखिला कराया था। ये वो बच्चे थे जो सड़क किनारे, घाटों, दुकानों के बाहर या चौराहों पर या तो भीख मांगते थे या कुछ छोटा मोटा सामान बेचते हुए नजर आते थे। इस अभियान के दौरान उत्तराखंड पुलिस की ऑपरेशन मुक्ति टीम ने 3 ऐसे भाइयों, बॉबी, सनी और विपिन का दाखिला इस स्कूल में कराया जो पूर्णानंद घाट पर छोटी छोटी पुड़िया में प्रसाद बेचा करते थे। इन 3 बच्चों को जब पढ़ने का मौका मिला तो इन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित करके भी दिखाया। ऑपरेशन मुक्ति की टीम बीच बीच में स्कूलों में दाखिल कराए गए बच्चों से मिलकर उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है। पिछले महीने 12 मार्च को ऑपरेशन मुक्ति की टीम स्कूल में दाखिला कराए गए बच्चों की जानकारी के लिए गई तो स्कूल के प्रधानाचार्य व अध्यापकों ने बताया जिन बच्चों का दाखिला ऑपरेशन मुक्ति के अंतर्गत हुआ था वे सभी बच्चे बहुत होनहार हैं और ज्यादातर बच्चे रेगुलर कक्षा में आ रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की एक्टिविटी में भी ये बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानाचार्य ने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति की टीम द्वारा जिन 3 भाइयों का दाखिला कराया गया था उसमें से बॉबी और सनी दोनों 8वीं कक्षा पास करके आगे की पढ़ाई के लिए अन्य स्कूल में चले गए हैं और उनका छोटा भाई विपिन आज हमारे स्कूल में कक्षा 8 में है, जो कि अपने भाइयों की तरह ही प्रतिभाशाली है। श्रीमती संगीता बड़ोनी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निगरेटी में प्रधानाध्यापिका के पद पर हूँ। हमारे विद्यालय में ये ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा समय समय पर बच्चों को लाया जाता है। जो बच्चे विद्यालय से बाहर रहते हैं उनको ये लोग स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ 3 बच्चों का एडमिशन लोगों ने करवाया, ये विपिन, शनि और क्या नाम इसका बॉबी, ये 3 भाई हैं। बब्बी 3 भाई, इनका एडमिशन करवाया था। ये बच्चे गंगा किनारे फूल बेचते थे तो इस मुक्ति टीम द्वारा पुलिस विभाग ने इनको हमारे एडमिशन करवाया। ये बच्चे पढ़ने में बड़े होनहार हैं। 2 बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होकर चले गए हैं और विपिन अभी कक्षा 8 में हमारे यहाँ पढ़ रहा है। तो मैं उत्तराखंड पुलिस का हार्दिक दिल से धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों को स्कूल में ला करके उज्जवल भविष्य को उनका कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद। गरीब परिवार से होने के बावजूद भी ये 3 भाई रेगुलर स्कूल आए और इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विपिन को प्रिंसिपल सर द्वारा ऑफिस में बुलाया गया। जैसे ही विपिन ने हेड कांस्टेबल अनिल और निशांत को देखा तो वो भावुक हो गया।
उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। मेरा नाम विपिन है, मैं चार्ट में पढ़ता हूँ। मेरे और मेरे दोनों भाइयों का, बब्बी एवं सन्नी का, इस स्कूल में एडमिशन कराया। अगर हमारा इस स्कूल में एडमिशन नहीं कराते तो हमारा जीवन अंधकार में चल जाता और हम फूल बेचते ही रह जाते। ऑपरेशन मुक्ति की टीम ने विपिन से उसका हालचाल पूछा और उसको भरोसा दिलाया कि उसे किसी चीज की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद ऑपरेशन मुक्ति की टीम विपिन के साथ विपिन के पिता से मिली। विपिन के पिता ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान की काफी सराहना की और बताया कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता। उन्होंने बताया कि उस समय मुझे पढ़ाई का मोल भी नहीं पता था, परंतु आज समाज में जब लोग बोलते हैं कि राजकुमार तेरी स्थिति मजबूत न होने पर भी तूने अपने बच्चों को शिक्षा दी, तो मुझे आप लोगों की याद आ जाती है। मुझे उस समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपने मेरे बच्चों का दाखिला कराया, क्योंकि मेरे बच्चे दिन भर घाट पर घूमकर प्रसाद आदि बेचकर घर में पैसे लाया करते थे, परंतु उन पैसों से वो खुशी नहीं मिलती थी जो मुझे अपने बच्चों की शिक्षा से मिलती है। विपिन के पिताजी ने कहा कि अब मैं बाकी बच्चों को भी पढ़ने के प्रति जागरूक करता हूँ और उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन मुक्ति अभियान की जानकारी हर किसी को देता हूँ। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन मुक्ति अभियान से सैकड़ों बच्चों का जीवन सुधर रहा है। पिछले 5 वर्षों में इस अभियान के तहत करीब 2000 से अधिक बच्चों को भिक्षावृत्ति से हटाकर शिक्षा की तरफ अग्रसर किया गया है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इन सबको एक अच्छी शिक्षा देना हम सबका कर्तव्य है।